हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है माउथ के अराउंड या यहाँ पे कहीं पे भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, या आपकी जो स्किन है वो अनइवन है। अनइवन होने का मतलब ये है कि कहीं पे स्किन पे डार्क पैचेज हैं, कहीं पे ब्लैक पैचेज हैं, कहीं पे स्किन क्लियर है, तो उसे अनइवन स्किन कहते हैं। तो अगर आपकी स्किन पे, आपके फेस पे ऐसी प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फेस सीरम जो कि आपकी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम या आपकी जो अनइवन स्किन की प्रॉब्लम, तो उसे आपकी स्किन से दूर कर देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा है ये प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस फैमिली को ज्वाइन किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी। पहला पॉइंट यह है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं। और सेकेंड पॉइंट यह है कि आपको अगर इस प्रोडक्ट का विजिबल, अच्छा और सही रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे रेगुलर यूज करना होगा, क्योंकि एक दिन में यह आपको रिजल्ट नहीं देने वाला है। एक दिन में यह सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइटन कर सकता है और आपकी स्किन पे एक ग्लो ऐड कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन का पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, तो आपको इसे रेगुलर यूज करना होगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को, स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी पैकेजिंग से। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन किए गए हैं, चाहे वो प्राइस हो, एक्सपायरी डेट हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट हो, यूज कैसे करना है, बेनिफिट्स क्या हैं, सभी डिटेल्स आपको आउटर पैकेजिंग पे मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बात करें इनर पैकेजिंग की, तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग, जो कि ग्लास बॉटल है और ये ड्रॉपर के साथ आता है। यूज़ करने के लिए हाइजीनिक है, कन्वीनियंट है और हैंडी है, तो इनर पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 199 रुपीज़, जिसमें आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। ये सीरम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। अब बारी आती है इंग्रेडिएंट लिस्ट की, क्योंकि वहीं पे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है या कितना बेनिफिशियल फ्यूचर में होने वाला है। बात कर लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं तो पैकेजिंग पे फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की गई है। इसमें आपको मिल जाता है ग्रेप सीड ऑयल, हेजल नट ऑयल, आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, विटामिन ई, ऑलिव ऑयल और परफ्यूम। हाँ, इस प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा परफ्यूम ऐड किया गया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि इस प्रोडक्ट में परफ्यूम है या नहीं, तो हाँ इसमें परफ्यूम है और मुझे ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा। एटलीस्ट इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इस प्रोडक्ट में परफ्यूम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में परफ्यूम होता है लेकिन ब्रांड्स उसे मेंशन नहीं करते हैं। तो आप कम से कम ऊपर से देख के या वेबसाइट पे देख के, ऐप पे देख के पता कर सकती हैं कि हाँ इसमें परफ्यूम है या नहीं। अब बारी आती है उन हार्मफुल केमिकल की, तो अगर मैं हार्मफुल केमिकल की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट 100% पैराबेन फ्री है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ गुड वाइब्स के सारे ही प्रोडक्ट क्रूल्टी फ्री भी होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बात ही आती है इसे बाय करने की, तो अगर आप इसे बाय करने के बारे में सोच रही हैं तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ पर्पल ऐप से ही बाय करना होगा, क्योंकि गुड वाइब्स के प्रोडक्ट जो हैं वो अदर किसी भी ऐप पे या वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। अब बारी आती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की। आपने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, स्किन केयर में भी, मेकअप से पहले भी, तो मुझे पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मेकअप के साथ कैसा वर्क करता है, या सिर्फ स्किन केयर में कैसा में भी यूज़ किया है, नाइट टाइम में भी यूज़ किया है, मेकअप के साथ, विदाउट मेकअप या स्किन केयर में। तो मैंने इसे हर तरह से ट्राई कर लिया है कि हाँ ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है या स्किन पे कैसा फील होता है। बारी
आती है इसे यूज़ करने की, तो आपको इसे जब भी आप इसे यूज़ करें, चाहे आप इसे डे टाइम में यूज़ करें या आप नाइट टाइम में यूज़ करें, आपको एक पॉइंट का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक दो घंटे पहले अपना फेस वॉश किया है और आपने अपने फेस पर कुछ अप्लाई कर लिया हो मॉइस्चराइज़र, क्योंकि विंटर है तो हम अपनी स्किन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हो और अभी आप इस सीरम को बस लें और अपने फेस पे अप्लाई कर लें और फिर आप कहें कि अरे ये तो अच्छा काम करता ही नहीं है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप इस सीरम को अपने फेस पे अप्लाई करने के बारे में सोचें, सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपको अपने फेस को क्लीन करना है। जब आपकी स्किन क्लीन रहेगी तभी प्रोडक्ट जो है वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम इजीली यूज़ कर सकती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सीरम आप अपनी स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लें, वैसे 2 से 3 ड्रॉप जो है वो इनफ है हर स्किन टाइप के लिए, और इसे आपको अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है और फिर मसाज करना है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप सीरम यूज़ करें आपके हाथ और आपका फेस दोनों अच्छे से क्लीन होने चाहिए, तभी आपको सीरम अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद मसाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सीरम मसाज पे ही अपना काम करेगा। तो फिंगर टिप की हेल्प से अपने पूरे फेस पे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करिए, जिससे कि सीरम आपकी स्किन में जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाए। अब बारी आती है बेनिफिट्स की, कि अगर आप ये फेस सीरम यूज़ करती हैं तो इसके क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, या मैंने अगर ये सीरम यूज़ किया है तो मुझे इसके क्या रिजल्ट मिले हैं। फिलहाल अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर लूँगी। पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के प्रोज और कॉन्स की, या इसके प्लस और माइनस पॉइंट की। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट की। अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपने इसकी देखी, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑयल हैं, तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपकी स्किन को रेडिएंट ग्लोई बनाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप ऐसे ही इसे अप्लाई करें स्किन केयर में या फिर मेकअप के नीचे अप्लाई करें, तो आपका जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखता है। तीसरा इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसे मेकअप से पहले अपने फेस पे अप्लाई करती हैं तो आपका जो फुल फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखेगा, क्योंकि मैंने आज अपने फेस पे यही अप्लाई किया है और मैंने कोई भी हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्स्ट्रा हाइलाइटर की ज़रूरत फिलहाल है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव कर देता है, और यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। यहाँ तक कि अगर आपकी स्किन पे जो अनइवन स्किन है, कहीं पे थोड़ी सी नॉर्मल है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे डल है, तो वो प्रॉब्लम भी आप की दूर होती है। नेक्स्ट इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और बहुत ज़्यादा टायर्ड दिखती है और आप इसे यूज़ करके हल्का सा अपनी स्किन पे अप्लाई करती हैं, मसाज करती हैं, तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई दिखने लगती है। तो फिलहाल इसके जो प्लस पॉइंट हैं वो बहुत सारे हैं, जिन्हें आप अपने फिंगर पे काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन इसमें एक कॉन भी है, आई थिंक एक नहीं दो है, जो कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। पहला इसका जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ऑयली अगर आपकी स्किन है तो आप इसे 1 ड्रॉप्स या मैक्सिमम 2 ड्रॉप ही यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। और अगर आप इसे समर टाइम में यूज़ करने के बारे में सोच रही हैं तो मुझे नहीं लगता है कि समर टाइम में इसे यूज़ करना एक सही आइडिया है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ऑयल हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है तो विंटर टाइम में आप इसे यूज़ कर सकती हैं, बट समर में मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसे यूज़ करिए। ओवरऑल आपकी पर्सनल चॉइस है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकती हैं। सेकंड जो इसका माइनस पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो परफ्यूम ऐड किया गया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं आपको बता दूँ, इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो उसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली
अगर आपको हेडेक होता है, सर दर्द होता है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। फिलहाल मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो परफ्यूम ऐड किया गया है उसकी स्मेल हल्की सी स्ट्रॉन्ग है, बट अनोइंग नहीं है, थोड़ी देर के बाद फेड हो जाएगी। तीसरा जो इसका कॉन है वो ये है कि इसमें क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के ऑयल डाले गए हैं, इसलिए आपको इसे अपने फेस पे तब तक मसाज करना है जब तक ये आपकी स्किन में कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ना हो जाए। बस आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज दिखनी चाहिए, ना कि ऑयली, क्योंकि जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने जस्ट अपने फेस पे इसे अप्लाई किया और छोड़ दिया था ऐसे ही, और ये ऑयल जो है वो स्किन में अब्जॉर्ब नहीं हुआ, मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो गई और बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगी थी। लेकिन जब मैंने इसे सेकेंड टाइम यूज़ किया तो मैंने इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई किया जैसे प्रोडक्ट पे मेंशन किया गया है, और अच्छे से हल्के हाथों से मैंने मसाज किया तो ये स्किन में अब्जॉर्ब हो गया और उस दिन मुझे वो ऑयलीनेस वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको ये तीनों पॉइंट अपने माइंड में ज़रूर रखने हैं। पहला, ऑयली स्किन है तो इग्नोर करिएगा। दूसरा, स्मेल जो है या फ्रेग्रेंस परफ्यूम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, आपको इसे अपनी स्किन पे मसाज करना है, अप्लाई करके छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, तभी ये आपकी स्किन पे अच्छे से काम करेगा और आपकी स्किन के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूं तो फाइनल वर्ड यही है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, तो आप एक ट्राई दे सकती हैं। वैसे भी पर्पल पे हमेशा ही सेल्स चलती रहती हैं, तो आपको इससे कम प्राइस में इजीली मिल जाएगा, और ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी तो क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, ये सारी सेल्स स्टार्ट होने वाली है, तो आप इन्हें डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि पता चल सके कि हाँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा और आपको पसंद आया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आप इस फैमिली का हिस्सा बन पाएं। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस फैमिली को ज्वाइन किया। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।